पीएम एक लाइन कहते थे सुधीर कि ये मोदी की गारंटी है, और जिस दमदार अंदाज में वो कहते थे ये बता रहा है कि जो बीजेपी की गारंटीज थी, जो बीजेपी ने अपनी तरफ से वायदे किए, उस पर जनता का भरोसा हुआ। इसी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए, छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 है, वहां पे राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई है। परिणाम ये बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन विकास की राजनीति में है, उनका भरोसा बीजेपी में है। इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा है। गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज बोलते हैं तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम है वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। और राहुल गांधी को अब सोचना चाहिए कि आप क्या कांग्रेस पार्टी के पनौती बन गए हैं। फिर देखिए, गारंटी दी है प्रधानमंत्री मोदी ने कि आपके कल्याण के लिए हम निरंतर अथक परिश्रम करते रहेंगे। जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी आ गया है, 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है। और ये जो इलेक्शन है दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है। जय हिंद दोस्तों, 3 राज्यों में सुपड़ा साफ करके रख दिया बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने अदर पार्टियों का। दोस्तों पाकिस्तान में इस समय तहलका मचा हुआ है कि बीजेपी ने इतनी बुरी तरीके से स्वीप किया है इन चुनावों में, 3 जो 4 स्टेट के रिजल्ट आए हैं और मोहर लगा दी 100%। भारत के लोगों ने 100% मोहर लगा दी कि भाई मोदी जी के अलावा किसी का चांस भी नहीं है कि वो फ्रेम में आ जाए। फ्रेम में नहीं आ सकता भाई, ये कह लो ना अगर मोदी जी इस फ्रेम में खड़े हैं तो इस फ्रेम में साइड में बंदा नहीं आ सकता रेस में, इस तरीके से बंदों ने बताया है, लोगों ने बताया इस 4 राज्यों के चुनाव में। तेलंगाना जहाँ पे आप लोग कहोगे यार ये तो बहुत कम है, तेलंगाना में 9 सीटें, लेकिन आप लोगों में से कई लोगों को पता भी होगा कि यार ये जहाँ बीजेपी 1 सीट पाती थी वहाँ 9-10, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसा माना जाता था कि जो मोदी की पार्टी है वो इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा पोर्ट्रे कराया जाता ना, लेकिन इस्लामिक इलाकों में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने बीजेपी को सेलेक्ट किया। रिजल्ट तेलंगाना में भी आप लोगों के सामने है, हिस्टोरिकली पहली बार 10 सीटें आई, 10 एक दो ऊपर नीचे, फिलहाल 10 दिखा रहा है, ऊपर नीचे मान के चलो 8-9 ऐसे, ठीक है। तो पाकिस्तान कांप रहा है मोदी जी के जीत से, आप लोग देख सकते हैं घबराहट साफ है उनके नजर, बड़े पैमाने पे, दिस इज अ बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया चला रहे हैं, दे डोंट नो के हाउ टू मेयर एंड गेज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पावर। जो मोदी साहब का जो ऑरा है उसको वो मेयर करने में नाकाम रहे हैं और वो सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ रहे। मोदी साहब एक तो देखिए बीजेपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कंपेन को खुद लीड करते हैं एंड मोदी इज़ द फेस ऑफ द कंपेन, सारी गल वो आप सुनाता है, इट इज़ द मोदी फैक्टर, सिंपल, इट्स नॉट राजनाथ सिंह फैक्टर, इट इज़ नॉट एनी अदर फैक्टर। और वो बड़ी डेवलपमेंट करा रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो जो मिनिस्टर फॉर इनकी एविएशन, उनका नाम मुझे नहीं आता, आई नो हिम बाय पर्सन, उनकी शक्ल से तो मैं पहचानता हूँ, ज्योति समथिंग आई थिंक उनका नाम है कोई, वो उनके साथ एक जो है वो यूपी के अंदर एयरपोर्ट देखने गए हैं जो कि अगले महीने या कुछ देर में उसका इफ्तिताह है, ठीक है जनाब। सो मोदी साहब जो हैं वो लॉट ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, ही हिमसेल्फ इज़ अ कंपेन, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि मोदी साहब की जो बीजेपी की कंपेन है उसमें दे हैव रीच टू द वुमेन, वो ख्वातीन तक उन्होंने जो है वो कॉन्टैक्ट किया है। जो इंडिया अलायंस है उसके जारी बात है मसले ये हैं कि वो अपोजिशन में जो फेस है बड़ा, वो तो राहुल गांधी साहब हैं,
और फिर ये है कि जब इतने ज़्यादा पार्टीज इकट्ठी हों तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रन द सिस्टम, ठीक है, मुल्क को वो चलाना उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोदी साहब जो हैं वो इस वक्त आप समझे कि ही इज़ बैक इन पावर, वो पावर में दोबारा आ चुके हैं और उनको जिसे कहते कहेंगे ना आप कि ठीक है जी, एक एक वो जो चीज़ समझते थे कि इनकम्बेंसी फैक्टर हम पाकिस्तान में बोलते हैं, वैसे इंटरनेशनली बोला जाता है, इट्स नॉट वो, लेकिन एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है कि एक बंदा जिसने 10 साल रूल किया है। अब आप देखें नरेंद्र मोदी को देखें, 2001 से लेकर 14 तक गुजरात का सीएम रहा, 15 साल ये कर लें, 14 से लेके अगर वो अगला इलेक्शन 2024 का जीत जाते हैं, ठीक है, तो समझे 30 साल एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन में बंदा गुजार दिया। पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 states में जीत चुकी है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा है, तो यानी कि कांग्रेस बढ़ गई। अब ये जो मैंने लफ्ज बोला कांग्रेस बढ़ गई, तो कांग्रेस वाले बिल्कुल नाराज ना हो, दरअसल ये इस वक्त पाकिस्तान में लफ्ज चल रहा है बढ़ गई, जो कि एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने जब ये अपने एक उसके दौरान बोला तो फिर ये चल ही पड़ा, सारा चल सो चल हो पड़ा। तो वो जब कोई हार रहा हो या कोई कामयाबी हासिल ना कर रहा हो तो वो ये कहा जाता है कि बढ़ गया, तो वो कांग्रेस जो है वो लगता है कि बढ़ गई। अब सिचुएशन ये है कि हमने आपको ये बताया था कि मैं इस वक्त क्योंकि लाइव आपके लिए जो है ये पेश कर रही हूँ, तो जनाब हमने मैं कई दिन से ये कह रही थी कि हम मुख्तलिफ कोई ऐसे इवेंट्स आ रहे थे, इंटरनेशनल इवेंट्स या नेशनल इवेंट, जिसमें हम कहते थे कि भाई मोदी छा गया, जैसे कि मेलोनी मेलोडी एक सेल्फी चलना शुरू हुई COP28 में, तो उसके ऊपर हमने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा कि जालिमो मोदी आ रहा है, तो जालिमो मोदी आ गया है, 3 states में मोदी जीत गया है। और ये जो इलेक्शन है दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में के मूड कैसा है और अवाम या लोग जो है वो किसको वोट डाल रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त अल जजीरा पर ये खबर है, उसी के साथ जब फ्रांस 24 है उसमें बताया जा रहा है इंडियाज रूलिंग पार्टी जो बीजेपी लीड्स इन 3 of 4 states, और फिर इसकी कुछ डिटेल्स जो है वो हमारे पास आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो इंडियन मीडिया है उसके मुताबिक बीजेपी जो है वो लीड कर रही है इस वक्त की स्टेट्स में, जिसमें मध्य प्रदेश और इसके अलावा छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में जो है खास तौर पर उनकी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नजर आ रही है और वो इसमें जीत चुके हैं। फिर इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी खुशियां जो हैं वो समाई नहीं जा रही, यानी जगह जगह पर जश्न चल रहा है इस वक्त इंडिया में, और बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लीडर्स हैं वो इस वक्त वहां पर जश्न मना रहे हैं। यानी ये कि देखे ना, अब वो होता ऐसा ही है, पाकिस्तान और जो इंडिया के इलेक्शन है उसमें ऐसे ही होता है, जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू होते हैं तो उसके साथ साथ आप देखते हैं कि वो एक सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसमें फिर जो पार्टी जीत रही होती है वो ढोल ताशे बजाते हुए जो है ढोल बाजे और वो सिलसिला शुरू रहता है, और फिर दूसरी पार्टी जो है वो जाहिर है कि बेचारी वो किथे। तो दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व और उनकी कार्य क्षमता जब तक है, मेरे ख्याल से भारत के लोग किसी और को चुनने की तरफ ध्यान नहीं देंगे। फिलहाल जिस तरीके से मोदी जी वर्क कर रहे हैं, और भगवान करे उनकी सेहत ऐसे बनी रहे, वो आने वाले कई और टेन्योर और कई और अपने 5 साल पूरा करें और हम भारत को ऐसे ही लीड करते रहे, मेरी तो यही मनोकामना है। क्योंकि दोस्तों भारतीयों की जो रिस्पेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, ऑनेस्टली से बताना यार, चाहे समर्थन करते हो नहीं करते हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर भारतीय हो तो ईमानदारी से बताना कि रिस्पेक्ट बढ़ी है या नहीं बढ़ी। इंटरनेशनल छवि जिस नज़र से पहले हमें गोरे मतलब USA यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये सारे देखते थे, क्या उस छवि में परिवर्तन नहीं आई है? क्या मेड इन इंडिया को इंटरनेशनली नहीं लेके गए? क्या हम इकोनॉमी में 4th-5th स्थान पे नहीं आ रहे? क्या हमारी 4 trillion इकोनॉमी नहीं हो गई है? आप लोग एक बार बताना जरूर क्या ये सब हुआ है। मोदी जी ने दोस्तों हमारे देश को एक नई दिशा दी है। अभी मैं एक चीज देख रहा था, शायद आप लोग को सही भी ना लगे, कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद सरकारी क्षेत्र में उतनी नौकरियां एज कंपेयर नहीं दी हो मोदी सरकार की गवर्नमेंट ने, जो मोदी गवर्नमेंट, लेकिन दोस्तों उद्यमी वर्ग का जो विकास किया है, उद्यमी मतलब जो खुद जिनका खुद का रोजगार होता है, खुद की फैक्ट्री होती है, आप लोग कह लो
जो यार स्टार्टअप एक नया शब्द है इसके लिए, जो खुद के स्टार्टअप है, स्टार्टअप करने वाले देशों में भारत सबसे अग्रणी रहा है, फर्स्ट रहा है, क्योंकि मोदी जी ने गवर्नमेंट नौकरियां नहीं दी, इसलिए लोगों ने नया ऑप्शन तलाश किया व्यापार करने का, और व्यापार करने की वजह से ही हमारी इकोनॉमी तेजी से बूस्ट हुई है। अगर सरकारी नौकरी पर डिपेंड रहते तो शायद वो नहीं होती। खैर, ओवरऑल पाकिस्तान में ये मातम मचा हुआ है बीजेपी की जीत पे, मोदी जी की जीत पे। अब देखते हैं इनका ये रोना धोना कब बंद होता है। जुड़े रहे आप लोग ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।